पहली सूची आ चुकी है। बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में है और लोगों के कार्यकर्ता और जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, इसलिए हमारा प्रत्याशी कमल का फूल उम्मीदवार एक प्रतीक के रूप में है। और मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान पर जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और राजस्थान की सरकार की पिछले पौने पांच वर्षों में झूठ और लूट की सरकार रही है, और आप देखिए कि जब सरकार अपनी विदाई के समय, जब इनके परिवार के कुनबे के लोग, पार्टी के लोग, विधायक मंत्री कहे कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, हमने इस पूरे कालखंड में कोई काम नहीं किया, जिन वादों की बुनियाद के आधार पर जुन के आए उसमें से एक भी काम पूरा नहीं किया, तो फिर अंतिम समय में आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कोई बोर्ड का, कभी किसी का कोई पत्र निकल रहे हैं और आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, आप दिल्ली में सरकारी गाड़ी में सोनिया गांधी जी के घर जाते हैं, आपका वही पुराना स्टाफ, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल, अगर आप ही अशोक गहलोत साहब अगर आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और आपने आनन फानन में जिस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों का हो चाहे अन्य जगह ना किसी को नियुक्ति देनी हो, आपको लग रहा है कि विदाई तय है तो जाते जाते फिर कहीं कहीं कोई खेल करके जाओ, लेकिन ये सोच लेना कि जिसने जो भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई भी भ्रष्टाचारी उसके किए हुए कर्मों से बचेगा नहीं। सर दूसरी लिस्ट सबसे पहले आपको बताएंगे।